Whoa! तो अभी ये पलाई पे है ना? पलाई पे चार दांत पे है। अभी शर्त पे बेचा हूँ मैंने उसके ओनर को कि भाई यहाँ पालोगे और दूसरा ये साल कुर्बानी नहीं करोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं। बाकी ऐसे कोटा आज की तारीख में कमी देखने में। बहुत माशाल्लाह, अल्लाह इसको अच्छा रखे, हयाती दे माशाल्लाह। और बुलाने पे आता है आसिम भाई मेरे? जी देखो ना, एक सिंग, एक सिंग वाइट है, एक सिंग ब्लैक है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम आयत गोट फार्म इन नाला सुपारा वेस्ट। दोस्तों पहले वीडियो में आपने ब्रीडिंग सेटअप देखा, इस वीडियो में आपको कुछ काफ़ी अच्छे बकरे दिखाने वाले हैं, अंडुल ब्रीडर क्वालिटी में। दोस्तों सारे पाले हुए नायाब बकरे देखेंगे आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं फुल गुलाबी सोजत से, देन हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक से एक बकरे दिखाएँगे। सो भाई ये पहला बकरा हम लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, तो ये सोजत नस्ल में रहा है। हाँ, सोजत और पतीरा, कोई पतीरा बोलता है, कोई सोजत बोलता है, प्योर बर्ड लग रहा है। जी माशाल्लाह। और क्या इसकी डिटेल्स क्या होंगी, वजन हाइट? ये अभी छः दांत पे है आसिम भाई जी, और छः दांत फ्रेश है इसके, और 110 किलो पे बकरा खड़ा है अभी। 110 केजी पे, 110 केजी। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बकरा है। हाँ। मैंने जैसा वीडियो के स्टार्ट में बताया लोगों को, एक जगह रुकता नहीं माशाल्लाह है। बच्चे के जैसा क्रॉस पैर में बच्चे भागते हैं ना जी, वैसा भागता है अभी। तो एज अ ब्रीडर आए थे आपके पालने के शौक में? ये तो पालने के लिए लिया था, मेरे शौक के लिए। जी लेकिन कुछ जन पूछ भी सकते हैं कि बकरा ईद में इसको फिर क्यों नहीं सेल किया आपने? बकरा ईद में मेरे को उतनी कीमत नहीं आई तो मैंने सेल नहीं करा। अभी वो छः दांत पे है, मैं पलटी मार के खुद नहीं, क्यों नहीं रखूँ। अच्छा, तो एज अ ब्रीडर भी बेच सकते हैं आप? हाँ। या किसी को पालना है तो अभी 110 केजी पे। हाँ। और छः दांत पे, छः दांत पे अगर आप अभी बेचोगे तो क्या कीमत मांगोगे इसके? भाई इसकी बकरा ईद में कीमत रखा था मैंने 110,000 रुपये जी, लेकिन इंशाल्लाह अभी गुंजाइश कर देंगे। ठीक है, तो ये कर देंगे उसमें अच्छा खासा नहीं, तो जिसको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर ले। हाँ, आपसे है ना, इंशाल्लाह अच्छे रेट में दे देंगे। हाँ। और गुलाबी है, इसको एक बार छोड़ के फिर दिखाऊंगा आपको मैं, ये एक जगह रुकता नहीं है माशाल्लाह। छोड़िए इसको, आप लाए थे कब, कब लाए थे आप वैसे इसको? आप बहुत डांसिंग डॉल है भाई ये, देखेगा मेरे को ऐसा लगता है मेरे को मारेगा आगे। नहीं नहीं मारता नहीं है, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, मारेगा ही नहीं कभी नहीं। देखो देखो एकदम करीब आ जाता है कैमरे से, करीब आएगा तुम्हारे पास रुक जाएगा। लाए कभी थे आप ये? ये तो मैंने छोटे में अदंत लिया था भाई, इसको बहुत छोटा बच्चा लाया था, अदंत लिया था बच्चा मैंने। अच्छी बनावट का है माशाल्लाह और काफ़ी एक्टिव है। तो दोस्तों ये पहले ही बकरा है, ऐसे आपको और भी काफ़ी सारे बकरे देखने मिलने वाले हैं माशाल्लाह। सो शकील भाई दूसरा बकरा दिखा दें अभी। तो दोस्तों ये दूसरा बकरा अभी आपके सामने माशाल्लाह, एंड ये आप देख सकते हैं वाइट आइज में। और भाई ब्रीड क्या बोलेंगे इसकी? ये हाइब्रिड ब्रीड बोलेंगे जी, तो हैदराबादी और पतीरा क्रॉस बोलेंगे। सफ़ेद आँख, ये भी फुल गुलाबी है, बारिश के हिसाब से गंदा दिख रहा है आपको। और क्या डिटेल पे भाई ये बकरा दांतों में? ये छः दांत अभी फ्रेश किया है, छः दांत फ्रेश है, चार दांत पे था अभी। अच्छा। छः दांत किया है इसमें और 70-75 किलो पे है। इससे भी आपने ब्रीड ली है क्या भाई? नहीं इससे अभी ब्रीड नहीं ली है, लेना है इसका, एक अभी बकरी क्रॉस किया है इसमें। सही है, तो ये भी छोटा ही लाए होंगे आप? हाँ छोटा ही था, ये ज़्यादा छोटा नहीं था, चार दांत पे लिया था मैंने। अच्छा, चार दांत पे लिए थे आपने। वेट गेन किया आपके पास इसने? हाँ ये वेट गेन किया है इसने, 65 किलो पे आया था अभी 75 किलो पे है। गला पट्टी झालर बहुत अच्छी है, एज अ ब्रीडर अगर कोई खरीदना चाहे भाई, क्या कीमत सेट किया वैसे आपने इसके? भाई इसकी एक 90 तक एक्सपेक्टेशन है मेरी। अच्छा 90,000 आपका आस्किंग रेट है। हाँ ठीक है, तो जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। एंड ये जो रेट बोला है ये आस्किंग रेट है, आस्किंग रेट है, नेगोशिएट हो जाएगा इंशाल्लाह।
पंच पेज ये वो सब बताइए जी। तो सारे बकरों की डीवॉर्मिंग हो रही है। सो वैक्सीनेशन वगैरह सारा टाइम टू टाइम होता रहता है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, कोई डिले नहीं उसमें, जरा भी डिले नहीं। तो इससे काफी फायदा भी होता होगा एज अ ब्रीडिंग सेटअप भी। हाँ, फायदा, बीमारियां कम आती हैं, बीमारियां कम आती है, बच्चों की मोर्टिलिटी कम होती है जी। और टाइम टू टाइम अगर सब हो तो आपको रिजल्ट भी मिलता है, रिजल्ट भी मिलता है, हकीकत है, वेट गेन देखने मिलता है आपको, PPR, FMD और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो टाइम टू टाइम होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये दो बकरे हो गए, राइट? और कित और कौन सा बकरा देखने वाले हैं अभी हम लोग? और है अभी कोटा है, दो कोटा है, एक सानेन क्रॉस बरबरा है। माशाल्लाह, तो दिखाता हूँ इंशाल्लाह। सही है, आइए। सो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कोटा बकरा है आपके सामने। एंड अगेन जो कोटा में चीज़ें देखी जाती हैं, कान, इसकी सिंग और रुबाब देखें आप भाई। शकील भाई क्या डिटेल पे है बकरा? आठ दांत फ्रेश किया है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, कान की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। वजन में क्या होगा भाई ये? 82 किलो पे। ये लाए थे तो कब लाए थे आप और क्या डिटेल पे लाए थे? भाई ये जंगल से लिया था मैंने जी, और अज्जू भाई के पास था ये फार्म पे। अच्छा, फिर मैंने यहाँ मंगा लिया इसको ईद के टाइम। अच्छा अच्छा, तो ये आपने लिया पहले था लेकिन मंगाया अभी ईद के टाइम पे? लिया मैंने साल भर पहले था। अच्छा, साल या 8-9 महीना हो गया। ये अपना कोटा में असलम भाई है ना? असलम भाई, असलम मुंडी। हाँ हाँ, असलम से लिया था मैंने। सही है, तो वहाँ से डायरेक्ट भोपाल चले गया था। ये मेरा इरादा था इसको भराई पे रखूँ, हाँ हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया भराई में। अच्छा, इसके लिए फिर मैंने मंगा लिया। वैसे आपके बकरे रहे भलाई पे पहले के नहीं रखे आपने? भलाई पे बकरे मैंने रखा था लेकिन नहीं, फिर बंद करा दिया मैंने पूरा। मतलब अभी तक एक भराई का ऐसा बकरा आता है ना वैसा नहीं लिया, वैसा नहीं है। ओके, तो माशाल्लाह बकरा तो काफ़ी अच्छा है फ्रेम में, इसके सिंग कान सब कुछ बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। तो ये अभी सेल करने का इरादा आपका? हाँ, ये सेल करने का इरादा। ठीक है, तो जो भी किसी भाई को चाहिए होगा आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगा इंशाल्लाह। अगेन ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा। और आप बकरा भी देख लीजिए माशाल्लाह, हाइट भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो शकील भाई सबसे गुस्से वाला बकरा दिख रहा है मेरे को तो। क्या नाम, क्या इसका नाम? कालिया है। कालिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। नस्ल में कोटा ही है ना भाई? हाँ, कोटा। देखे आप लोग, ये बहुत बड़ी रस्सी पे, तो पता नहीं कब मैं अभी रेंज में आ जाऊँ उसके। तो वैसे डिटेलिंग क्या भाई इसकी, क्या डिटेल पे बकरा? ये भी बकरा 6 दांत है और ये भी लाए थे हम लोग जब ही छोटा ही था। हाँ, ये भी 2 दांत पे लाए थे माशाल्लाह। तो आज ये 6 दांत पे है और इसने वेट कितना लिया है अभी? वेट माशाल्लाह, ये भी खाने पीने में बहुत अच्छा है, जो दे दो वो खा लेगा। अच्छा, और खाने पीने में कोई नखरे नहीं है इसके? कोई नखरे नहीं है, फ्रेम अच्छी है, लेकिन बॉडी शॉर्ट है भाई इसकी। हाँ, शॉर्ट बॉडी का कोटा है, कान भी इसके छोटे ही हैं, गला पट्टी झालर अच्छा है माशाल्लाह, चेहरा अच्छा है और एग्रेसिव बहुत है ये। मतलब बारिश के हिसाब से नहाया नहीं है दोस्तों, नहीं तो एकदम चमक जाए माशाल्लाह। तो ये भी देना है भाई अपने को? हाँ, ये भी देना है भाई। तो जिसको भी चाहिए आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। कालू नाम है इसका, है ना? कालिया। कालिया दोस्तों देख सकते हैं आप, फुल एग्रेसिव बकरा है माशाल्लाह। जो भी किसी भाई को इंटरेस्ट होगा कांटेक्ट करें आयत गोट फार्म पे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दे रहा हूँ और वीडियो के एंड में भी दूंगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट बकरा देखते हैं अब। सो दोस्तों ये एक और कोटा देख रहे हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बकरा है, बफ है, इसकी सिंग स्पायरली गोइंग अपवर्ड्स,
ब्लैक एंड वाइट कलर, और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो इसको खोल के तो नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। इसको रस्सी पे बंधा हुआ है ये बकरा भी देना है दोस्तों, बेचना है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड होगा कांटेक्ट करे। बकरा देखें आप लोग, फुल गुलाबी में माशाल्लाह। नाम क्या है इसका शकील भाई, कुछ रखे हो नहीं रखे हो? नाम नहीं है, फुल गुलाबी है ना भाई ये? दांत में कितना है? अभी 8 दांत लगाया है। अच्छा, अभी 8 दांत लगाया है। और ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है जैसा आप बता रहे थे, खोल के रखेंगे तो मार देगा सबको। अच्छा, रुकता ही नहीं एक जगह। इसकी सिंग भी कितनी अच्छी है, ऊपर की तरफ जा रही है। देख सकते हैं आप लोग, तो जो भी भाई ख़रीदना चाहता है कांटेक्ट करिए इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बकरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो खोल के तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, आप ऐसे ही देख सकते हैं। किसी को देखना है तो आके देख ले, नंबर दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स पूछ सकते हैं इसके। तो इसमें हम लोग एक बैंटम देख रहे हैं, और वो सानिया ने ना भाई दूसरा वाला, तो क्या डिटेल पे सानियन? देख लो 6 दांत पे। तो दोस्तों सानियन 6 दांत पे, और ये बेंटम माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में बेंटम। ये सानियन तो इतना है कि मारता नहीं है ना, नॉर्मल 6 दांत पे अभी। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, सिंग वगैरह जो भी भाई इंटरेस्टेड होगा कांटेक्ट करें। ये सानियन बकरे के लिए, और बेंटम भी है जो आ रहा है अभी, वो भी दिखा देते हैं आपको। तो शकील भाई दांत में कितना है? अभी 4 दांत पे। 4 दांत पे माशाल्लाह, और बहुत ही लिलीपुट स्मॉल साइज में दाढ़ी देखें आप लोग भाई। ब्रीडिंग क्वालिटी के लिए अच्छा रहेगा नहीं? माशाल्लाह चीज़ है भाई, ब्रीडिंग क्वालिटी। कान भी देखे ना, पुर्नी कान है एकदम माशाल्लाह, करेक्ट कान, बहुत अच्छे कान है अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी बाल वाला है बेंटम माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा बम्प भी आप देख पाएंगे इसके ऊपर। तो ये भी देना है अपने को। तो टोटल अभी तक जितने भी बकरे देखे हमने सारे देने सेल करने, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, ठीक है। वैक्सीनेटेड है सब जानवर, अपने घर के पाले हुए हैं, घर के पाले हुए वैक्सीनेटेड है सब, और कल ही मैंने इन लोग की डिवॉर्निंग दी थी। सही है, आप एक बार अपना नंबर बता दो यहाँ पर आने का प्रॉपर एड्रेस। 9224300007। और रिक्वेस्ट है भाई, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो व्हाट्सअप डाल के रख दो, स्क्रीनशॉट डाल के रख दो, इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। सही है, और यहाँ पर आने का प्रॉपर एड्रेस, यहाँ आने का प्रॉपर एड्रेस है नाला सुपारा स्टेशन से। अगर आ रहे हो तो स्टेशन पे ऑटो शेयरिंग रिक्शा है जो 10 रुपया या 15 रुपया कुछ लेती है, टाकी पाड़ा बोलना है। तो टाकी पाड़ा पे आप अकबर राइस मिल पे उतर जाओ। सही है, अकबर राइस मिल पे उतर जाओ, बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस 10 कदम तो बिल्कुल वॉकिंग है ना बाजू में एकदम, ठीक है इंशाल्लाह। तो पहले वीडियो में हमने कवर किए थे ब्रीडिंग सेटअप, फिर वो रिक्शा वाले बोला मोहम्मदिया मस्जिद, पीछे ही आपके मस्जिद है, पीछे सामने मस्जिद है। सही, तो पहले वीडियो में हमने कवर किया था, वो था पूरा आपका ब्रीडिंग सेटअप। पलाई पे रख सकते हैं यहाँ पर, और बकरे भी सेलिंग के लिए आते रहते हैं, बकरे भी आ सकते हैं। जिसको शौक है अच्छे अच्छे बकरों का, इंशाल्लाह कांटेक्ट करें, अच्छे अच्छे बकरे मिलेंगे आपको। सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम।